नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यू किचन रेसिपी विद सीमा में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। तो मैंने ये बिल्कुल पके पके लाल लाल टमाटर लिए हैं, तो मैं 3 टमाटर लिया है। तो इसको पका लेती हूँ गैस पे, इसको लो फ्लेम, बिल्कुल लो भी नहीं करना है, मीडियम में करना है। तो अब ये पक चुके हैं हमारे टमाटर। अब इन टमाटरों को मैं एक बाउल में रख देती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि जल्दी से टमाटर ठंडा हो जाएगा। ये 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन का लिया है, इससे भी गैस पे पका लेना है। अब मैं टमाटर के सारे छिलके हटा लूँगी। पानी डालने के बाद काफ़ी आसानी से हट जाते हैं सारे छिलके। अब हम टमाटर को मैश करेंगे अच्छी तरह से हाथों से। अब ये जो लहसुन मैंने पकाया था उसको भी हाथ से मैश करके इसमें डाल देना है। लहसुन पका कर ना इस तरह आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। अब हम डालेंगे इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, चाहे तो आप बारीक भी काट सकते हैं, मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 2 काट लिया हमने, एक बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालूंगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं। बॉल हमारा छोटा है, छोटा पड़ चुका है, तो मैं इसे बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल, वो भी कच्चा डालना है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे चटनी में। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलेंगे। अब हमारी चटनी हो गई है तैयार। आप इसे रोटी के साथ, चावल के दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।